हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आंखों में भर चुकी है बहुत ही ज़्यादा नींद, क्योंकि हम लोग आज सुबह जल्दी उठ गए थे। मैं पहले 7:30 बजे उठी, फिर मैं इसको उठाते रही, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, फिर मैं सो गई इसको उठाते उठाते, फिर इसने मुझे उठाया। तो अब फिलहाल आई थिंक 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे आज हम लोग उठ गए, नहीं तो हमारा डेली उठना कहते 11:11 बजे हो रहा था, 10:11 होता है। बट आज से हमने अपना शेड्यूल थोड़ा सा ठीक किया है, इसी के लिए हम आज सुबह उठ गए हैं। एंड आज की हमारी मॉर्निंग ड्रिंक गाइस, ये है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक और फ्रूट्स। ये है अदरक और लेमन वाटर, ये भी ये सेम ही है ना, तू सेम ही पी रही। तो ये अदरक लेमन वाटर है और ये एप्पल एंड पपीता। तो ये हम सुबह सुबह खाएंगे। कई लोग पूछ रहे थे कि ड्रिंक में सुबह क्या लेते हो, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट अभी स्टार्ट मैंने जो किया है वो अदरक, और अदरक आप पीस के और उसको अच्छे से उबाल लो, मतलब बहुत अच्छे से उबाल लो, और फिर उसके अंदर जब उबल जाए तो उसको छान के ग्लास में निकाल लो और उसको नींबू निचोड़ दो और वो आप पी सकते हो, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। एंड बस अभी आज हमारी 9th of November है आज, तो आज हमें 4 साल हो गए गाइस बाबू। तो आज हमें वही 4 साल हो गए मिले हुए, मतलब हमारी पहली मुलाकात हुई थी आज के दिन, मतलब हम फेस टू फेस मिले थे एक दूसरे से। तो अगर मैं वैसे बताऊं तो हमें आज पूरे 4 साल हो चुके हैं, तो आज है हमारा 4th year ऑफ टुगेदरनेस। लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किया था आपके पुराने वाले फ्लैट में 3 years ऑफ टुगेदरनेस, जब मैं बहुत पतली हो गई थी। तो अभी फिलहाल हम पहले ड्रिंक पी लेते हैं अपने, फिर वापस बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, टाइम हो चुका है 1 बजने वाले हैं और हम लोग अभी सारी सफाइयाँ कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, हमने थोड़े बहुत चेंजेस क्या, वही है जो पहले वाला था, बट कुछ दिनों के लिए हमने बेड जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है, और ये जो टेबल थी ये इधर लगी हुई थी, तो अब हमने दोबारा से अपना बेड उसके पास लगा लिया। कितना शानदार लग रहा है ना, हाय हाय। और जो टेबल हमने यहाँ लगा ली, तो मतलब जो भी वीडियो शूट होंगे वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। और यशु यहाँ पे लगा रही है झाड़ू, अभी क्या हुआ का हुआ मेरी बेटी को, मैं क्या बदली हूँ बताइए जरा, बस इसको एक ही बात आती है, शादी के बाद तू बदल गई है। और हाँ, एक चीज बता रही, यीशु के लिए जो धूप आती थी उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लैक चार्ट हाफ लगा दिया है, हाफ आज हम देखेंगे, अगर तो नीचे से धूप आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और ऊपर वो भी था, वो भी हमने उसको भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो और हमने ब्रेकफास्ट भी आज बहुत ही हेल्दी किया था, मतलब ब्राउन ब्रेड खाए थे और कच्ची कच्ची सब्जी गोभी की, वो हम शूट करना भूल गए। एंड अब हमारे साथ ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रही है बाबू, एक बात बता, अपने को रहने ही एक कमरे में था तो अपन स्टूडियो अपार्टमेंट ही ले लेते, है ना, 1 BHK लेने की क्या जरूरत थी हमें, मतलब पैसा भी ज्यादा। और अभी हमारा क्या होना ना कि जो ये वाला रूम है हमारा, ये वेस्ट है, वेस्ट इसलिए है क्योंकि अभी दिखाती हूँ वेस्ट क्यों है, ये हटियो जरा दिखाई दूँ, फिर आज मैं सुनाती हूँ। ये देखो आवाज आ रही है, अभी तो ये कम आ रही है, ठीक है, अब देखना। तो ये क्योंकि यहाँ पे मील है पीछे, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है साउंड का, बहुत यशी ने मुझे बोला था कि वो वाला ले लेते हैं फ्लैट और ये वाला रह लेते हैं, बट मुझे हाईवे का व्यू चाहिए था तो मैंने वो छोड़ के ये वाला ले लिया। यहाँ पे इतनी आवाज आती है कि पूछो मत। तो अभी ये वाला जो है ये मेरे को लग रहा है हमें स्टोर रूम ही बनाना पड़ेगा, जहाँ तक हमें लगता है, बाकी तो देखो क्या होता है भाई, बाकी तो पता चलेगा बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी फिलहाल आज का प्लान ये है कि आज शाम को हम लोग केक कट करेंगे, मतलब आज कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, नॉर्मल सा करेंगे, छोटू सा केक लेके आएंगे, केक सेलिब्रेट करेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, शाम को थोड़ा सा ऐसे ही बस सेलिब्रेट कर लेंगे और तो क्या। और फिलहाल अभी मुझे बहुत सारा काम करना है तो मैं वो कर लेती हूँ, एडिटिंग करनी है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं हम लोग बाद में, ठीक है गाइस। चलो सो गाइस, अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:15 और अभी हम लोग जा रहे हैं जो हमने आज सेलिब्रेट करना है उसके लिए, कुछ कुछ लेने के लिए,
तो देखते हैं क्या लेके आते हैं हम। केक तो ऑब्वियसली बातें लाएंगे, बट छोटा लाएंगे क्योंकि हम दो ही लोग हैं, आज कोई नहीं आ रहा तो हम दो ही लोग हैं। आज हम यू नो मतलब अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, तो आज हम दो ही हैं। तो आज हम लोग सिर्फ छोटू सा केक लेके आएंगे अगर हमें मिल गया तो, नहीं तो फिर वो हाफ के जी वाला तो है ही, लेके आना ही पड़ेगा। बाकी यशु यहाँ पे बांध रही है अपना मुंह क्योंकि मेरे यहाँ पे दो निकल गए दाने और दर्द हो रहे हैं, पर बाहर ना धूल बहुत है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। हाँ और ये कैसे बांधू मैं, ऐसे ही बांध ले, छोटा लग रहा है ये मेरे को। अभी हम लोग स्टेयर से जा रहे हैं, हाँ लिफ्ट ठीक है लेकिन हम लोग खुद स्टेयर से जा रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, तो चढ़ तो चलो नहीं सकते लेकिन उतर तो सकते ही हैं, तो इसलिए गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं अपने सेलिब्रेशन के लिए, और हमने मस्त डेकोरेशन भी कर दिया है। और आज जो डेकोरेशन है वो यशु ने की है। ओ यार मैंने कोट तो पहना ही नहीं ऊपर जो मेरे को पहनना था, मुझे पहले कोट, चलो कोई बात नहीं बिना कोट के बैठेंगे। तो वो जो डेकोरेशन करनी थी वो आज यशु ने की है, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ही हमेशा तेरे लिए करती, तो आज तू मेरे लिए कर डेकोरेशन, तो बोल के करवाई गई है मुझसे डेकोरेशन आज की। यस तो ऐसा कुछ है, एंड आज मैंने पहनी है साड़ी, तो कुछ सामने का लुक दिखाऊंगा। तो ये है गाइस सामने का लुक, और ये थोड़ी सी डेकोरेशन है जो मैं आपको इसके सिनेमैटिक अभी आपको दिख जाएंगे। फिलहाल ये देख लो आप, ये है यशु, ऐसे दिख रही है कुछ आज, और ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये देख लो टन। तो सबसे पहले अब हम लोग करते हैं हमारा 4 ईयर्स ऑफ यशर्स का केक कट, जो कि बेचारा बहुत देर से बैठा है यहाँ पे, तो इसको पहले कट करते हैं और फिर डिनर करेंगे, फिर डांस करेंगे, ठीक है गाइस। और हमने आज रेनबो फ्लैग भी लगाया है यहाँ पे, yes. तो चलो पहले कट करते हैं। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. अब देखो वैसे तो हमारे रिश्ते को ना प्रॉमिसेस की कोई नीड नहीं है, लेकिन क्यों ना फिर भी एक ऐसा प्रॉमिस करें हम एक दूसरे से कि कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉमिस होना चाहिए जिसमें दूसरे की खुशी भी शामिल हो। मतलब देखो वैसे तो हमारे दोनों की खुशी एक ही है, मेरी खुशी मतलब आपकी खुशी और आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी, लेकिन फिर भी क्यों ना एक दूसरे से आज के दिन जब हम पहली बार मिले थे कोई प्रॉमिस किया जाए। पहले तू कर फिर मैं करूँगी, लोग ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ना, फिर मैं सेम कर दूँगी। प्लीज़ अपने अलग अलग प्रॉमिसेस करेंगे, सेम प्रॉमिसेस नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आप नहीं कर रहे पहले तू कर। ओके तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा, तो मैं आज आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि लाइफ में सिचुएशन चाहे जो भी रहे, हम एक दूसरे से जितना मर्जी गुस्सा हो जाएं, चाहे हमारे पास कुछ भी न रहे, सिर्फ एक दूसरे का साथ होना चाहिए, मैं आपके साथ हर कदम पे ऐसे ही चलूँगी जैसे आज चल रहे हैं। ठीक है, और अब मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सिचुएशन आने ही नहीं दूँगी। प्लीज यार डरा।
लिखा ही लिखा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सो सॉरी। तो इसको अब इसका काम जा चुका है, इसको भगा दो यहाँ से, चल बेकार सा। देखो चलो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, लोग इसमें कूद मार लेते हैं। नहीं ना डिजाइन खराब हो जाएगा बाबू। ठीक है फिर, नहीं ऐसे ठीक है, अपन अपन काटेंगे ना अब, चल दोनों काटेंगे ना, चलो। Happy 4 years together. Happy 4 years together. हाँ हाँ बाबू तू मेरे को दे दे। Very good, very good. एक मिनट। गाइस को भी खिला ले। गाइस का तो काटने दोगे कभी? हाँ काटना। गाइस ये आप लोगों के लिए है, ठीक है? ये आपका है एंड जैसे कि ये आप हो और ये आपका मुंह है, ठीक है? और जैसे कि ये भी आप हो और ये भी आपका मुंह है। हमारा आ चुका है डिनर। डिनर में आज हमने मंगाया था राजमा राइस जो कि हम दोनों के ही फेवरेट है, और साथ में यह वेज कोल्हापुरी जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं, ये है लच्छा पराठा एंड सैलेड। That's it. तो अभी हम लोग खाते हैं, पहले तू खा के दिखा कैसा बना। पहले मैं वो खिलाएगी। Yes. चल खिलाऊंगी। मुझे लग ही रहा है पता नहीं कि उस दिन मंगाया था। राजमा खुशबू से ही लग रहा है यार। गाइस आई कांट कंट्रोल, और अब बहुत ज्यादा भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा, मतलब कुछ भी समझ लो खाना पड़ेगा। खा के फिर ये वाला कैमरा चलता रहेगा। सो गाइज हम बहुत ज्यादा थक गए नाच नाच के। फाइनली हमने अपना एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया है। एंड कैसा लगा फिर? बहुत 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 अच्छा लगा एंड बहुत इंजॉय किया हमने। आज हम सिर्फ दोनों ही थे, आज हमें सभी ने क्वालिटी टाइम देने की पूरी पूरी कोशिश की है। सो बस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, छोटा सा सेलिब्रेशन था एंड क्या ऐसे ही मतलब हमारी जिंदगी यू नो आगे बढ़ती रहे, और आई विश के इनको बहुत सारे सक्सेस मिले जिंदगी में, जो भी इनको चाहिए वो मिले एंड हर खुशी मिले। देखो आपको जो मिलेगा वो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि हम दोनों तो एक है ना। तो क्या है ना, लग रही है आपको गर्मी लग रही है गाइस बहुत ज्यादा, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा सेलिब्रेशन, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा गाइस आई होप। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। Yes. कपड़े भी चेंज करने हैं। Yes. तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। और हाँ, इंस्टा और फेसबुक पे एंड यशस व्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, वही उसको फॉलो करना मत भूलना यार, अब तो कर दो यार, इतना मेहनत करते हैं। How we talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it, you've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you.